बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं रान बुखारी मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूज़, आज की इस वीडियो में हम आपको एक 6.5 मरला ब्रांड न्यू डबल स्टोरी डब्ल्यू यूनिट घर का विजिट करवाएंगे, जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। व्यूज़, ये घर कैश पे अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा इस घर की डिमांड, और बाकी तमाम तर डिटेल जो है वो इंशाल्लाह हम आपसे वीडियो के दौरान शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ व्यूज़, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ दिए कि बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारी तमाम जो नई वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो फिर स्टार्ट करते हैं व्यूज़। सबसे पहले आप ये इसका फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं व्यूज़, जो कि काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। आप ये इसका मेन डोर देख सकते हैं, और यहाँ पे ये इसका छोटा सा ग्रीन एरिया भी दिया गया, ये भी आप देख सकते हैं फुली डिवेलप है। तो फर्दर हम चलते हैं घर के अंदर व्यूज़। व्यूज़, ये सबसे पहले आप इसका कारपोच देख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो फैंसी टाइल वर्क किया गया ब्लैक कलर की स्कॉटिंग के साथ, और ये स्टेज जो है ये फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए दी गई है। ये इसके ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है, और ये आप सामने इसकी मेन एंट्रेंस देख सकते हैं, घर की मेन एंट्रेंस। वाटर टैंक जो है वो इसका अंडरग्राउंड है, और पानी की जो मोटर है वो भी यहाँ पर फिक्स्ड है। आप इसका सीलिंग डिज़ाइन भी चेक कर सकते हैं कारपोच का। कारपोच में जो है वो दो गाड़ियाँ इजीली पार्क की जा सकती हैं। तो चलते हैं हम घर के अंदर। तो व्यूज़, हम आपको लेके चलते हैं इसके ड्राइंग रूम से घर के अंदर। तो ये आप इसका ड्राइंग रूम देख सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का दिया गया, खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया है। वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है सेफ्टी ग्रिल के साथ, और फ्लोरिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइल वर्क जो है वो किया गया है। वॉल पे भी जो है वो बॉर्डर बनाए गए हैं, कोला डिज़ाइन बनाए गए हैं। अगर आप इसमें वॉलपेपर का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इस्तेमाल दिखा देते हैं इसका बाथरूम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको पार्टीशन करके, आप बिल्कुल सेपरेट भी करना चाहें तो आप सेपरेट भी कर सकते हैं। इसके बाद भी ये आप इसका टीवी लाउंज देख सकते हैं, खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। ये इसकी मीडिया आप देख सकते हैं इसकी, ये जो एलईडी पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। और अगर आप इसको ओपन करना चाहें तो आप इसको रिमूव करके ओपन भी कर सकते हैं। व्यूज़, आप ये इसका किचन भी देख सकते हैं, जहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, एग्जॉस्ट फैन भी इसमें इंस्टॉल्ड है, और ये आप इसका खूबसूरत किचन भी देख सकते हैं। इसके बाद व्यूज़, हम आपको दिखाते हैं इसका बेडरूम। तो ये इसका फर्स्ट बेडरूम, वेंटिलेशन के लिए विंडो भी सेफ्टी के लिए इसमें नहीं लगी, और ये इसका बाथरूम। वार्डरोब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 डोर के साथ इसका वार्डरोब भी अवेलेबल है। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसका बेडरूम नंबर 2। गीजर आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, और ये आप इसका लॉन्ड्री एरिया भी देख सकते हैं। ये इसका बाथरूम, यहाँ पे भी जो है वो कमोड लगाया गया, आप इसका टाइल वर्क चेक कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडो और एग्जॉस्ट फैन दोनों ऑप्शन दी गई हैं। और वार्डरोब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 डोर के साथ इसकी वार्डरोब भी अवेलेबल है। तो ये इसके साथ ही ग्राउंड फ्लोर का विजिट कम्प्लीट हुआ। आपको बताते चलें कि मेन एंट्रेंस के बिल्कुल साथ इसका ड्राइंग रूम है, ये इसका लिविंग एरिया है, बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, और ये इसका किचन। तो अब हम आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलते हैं। तो ये व्यूज़, हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे ये आप इसका ये एरिया चेक कर सकते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, ये इसकी ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है, और ये स्टेज छत पर जाने के लिए दी गई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं खूबसूरत टाइल वर्क किया गया है। और इसके बाद ये चलते हैं हम इसके गेस्ट बेडरूम, और अगर आप इसको ड्राइंग रूम भी यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं।
कि आप इसका बाथरूम दे सकते हैं। उसके बाद ये इसका लिविंग एरिया, टीवी लाउंज, ये आप इसकी एलईडी पॉइंट देख सकते हैं आप इसका। आप इसका डोर डिजाइन भी देख सकते हैं। और ये इसका खूबसूरत किचन, वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, एग्जॉस्ट फैन भी इसमें फिक्स्ड है। चलते हैं हम इसके बेडरूम की जाने। तो ये आप इसका बेडरूम देख सकते हैं व्यूज, वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, सीट्री की लबी इसमें नहीं लगी। वार्डरोब आप देख सकते हैं, 3 डोर के साथ अवेलेबल है। इसका बाथरूम खूबसूरत टाइल वर्क किया गया है यहाँ पे, वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन भी जो है वो अवेलेबल है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं व्यूज़ कि स्टोर के लिए ये स्पेस भी दी गई है। यहाँ पे आप यहाँ पे घर का छोटा मोटा सामान जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं इसका बेडरूम नंबर 2। तो ये आप इसका बेडरूम नंबर 2 चेक कर सकते हैं, इसका सीलिंग डिज़ाइन, वेंटिलेशन के लिए विंडो, वार्डरोब 3 डोर के साथ अवेलेबल है। और ये इसका बाथरूम, तो इसके साथ ही फर्स्ट फ्लोर का विजिट भी कंप्लीट हुआ। आपको बताते चलें कि मैं एड्रेस के बिल्कुल साथ इसका ड्राइंग रूम है, अगर आप उसको बेडरूम यूज़ करना चाहें आप बेडरूम यूज़ कर सकते हैं। और ये इसका लिविंग एरिया, किचन, बेडरूम नंबर 1 और बेडरूम नंबर 2। अगर आप एक पोर्शन को रेंट पे देते हैं तो आप एक पोर्शन को रेंट पे भी दे सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेपरेट से बना हुआ है। आप इसके ड्राइंग रूम का साइज़ भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ का दिया गया है। और इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं इसके छत पर। छत भी है इसकी ममटी, और ये आप इसका छत भी देख सकते हैं। छत पे जो है वो चिप्स लगाया गया है, और आप ये इसकी कंक्रीट की टैंकी भी देख सकते हैं, 7 टैप्स भी दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पे लॉन्ड्री एरिया यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस घर का विजिट कंप्लीट हुआ। आपको बताते चलें कि ये घर 6.5 मरला पे बना हुआ है, डबल स्टोरी घर है, डबल यूनिट घर है, और ब्रांड न्यू घर है ये, जिसमें 2 बेड ग्राउंड फ्लोर पे हैं और 2 बेड जो हैं वो अपर फ्लोर पे हैं। अगर आप एक पोर्शन को रेंट पे देना चाहें तो आप एक पोर्शन को रेंट पे भी दे सकते हैं, और अगर आप फुल घर यूज़ करना चाहें तो आप फुल घर भी यूज़ कर सकते हैं। व्यूज़, इस घर की अगर हम लोकेशन की बात करें तो इस घर की जो लोकेशन है वो गुलरेज हाउसिंग सोसाइटी है, और वाटर टैंक जो है वो इसमें अवेलेबल है, पानी का बिजली का मीटर जो है वो भी इसमें लगा हुआ है, और गैस जो है वो लगना भी इसमें बाकी है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई है, वो भी इंशाल्लाह लग जाएगी। और इस घर की अगर हम डिमांड की बात करें तो इस घर की जो डिमांड है वो 230 है, जो कि नेगोशिएबल है। व्यूज़, आप में से कोई भी अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारी तमाम जो न्यू वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। आप तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया।